हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल क्रिएट एक्सपर्ट में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपके भी SBI में ये प्रॉब्लम आ रही है ATM में, जब आप पैसे विड्रॉल करने या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे ये लिखा रहा है कि एरर कोड 050 अनऑथोराइज। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, आज की वीडियो में बताऊँगा। तो दरअसल मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इस प्रॉब्लम का कैसे सोल्यूशन पाया वो बताऊँगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क्रिएट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें। तो दरअसल ये प्रॉब्लम आती क्यों है और इसका सॉल्यूशन क्या है वो बताऊंगा मैं। तो दरअसल ये प्रॉब्लम तब आती है मैक्सिमम यूज़र्स को, जब आपकी कार्ड की जो लिमिट होती है वहाँ पे लिखा होता है जो कार्ड पे आपकी, वो ख़त्म हो जाती है। तो मतलब आपका कार्ड है वो एक्सपायर हो गया है। तो कार्ड एक्सपायर क्यों होता है, दरअसल SBI ने कुछ लिमिट रखी होती है, कितना 3 या 4 साल रखी होती है SBI कार्ड की लिमिट, ताकि आपका कार्ड लॉस्ट हो जाए तो फिर वो आप कंफर्म कर पाएँ कि जो यूज़र हैं वो आप ही हैं इस कार्ड के। तो एक नया कार्ड भेजेंगे आपके पोस्ट ऑफिस पे, जो उसी एड्रेस पे जिस एड्रेस पे आपका पुराना ATM कार्ड है, तो उस ब्रांच में वो पोस्ट ऑफिस में एक आपको ATM कार्ड भेज देंगे। तो एक बार आपने ATM में आज जब आपका ये कार्ड वर्क नहीं करेगा, तो आपने क्या करना है, आपने जाना अपने पोस्ट ऑफिस में और पूछना कि कोई ATM कार्ड आया है या नहीं। तो जो कार्ड आया होगा तो उसको आपका उसमें आपने जो पिन है उसको जनरेट कर लेना है, और पिन जनरेट करने के बाद उसको ट्राई कीजिएगा। तो उसको ट्राई करने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कि आपको क्या है, जो जो आपके ATM है उसकी लिमिट ख़त्म हो गई है, तो मतलब आपका ATM कार्ड है वो एक्सपायर हो चुका है। तो अगर आपका ATM कार्ड एक्सपायर हो भी नहीं हुआ तो भी ये प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार आपने कस्टमर केयर से बात कर लीजिएगा SBI के, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर कोई क्वेरी होगी आपकी इस वीडियो का रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और ऐसी नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल क्रिएट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें।